students. I am Aabha, Suri, and I welcome you all to Navkar Digital Institute. Students, I feel really great to share a topic which is over and above our books today. And that is a very burning issue, a very sensitive issue for all my dear students, and that is pandemic mein padhai. I know, sab log dare hue ho, buri tarah se dare hue ho. क्यों? Because मैम पढ़ाई नहीं हो रही है, Zoom meeting में नहीं होती पढ़ाई, मुझे video lectures में भी नहीं होती पढ़ाई. But let me tell you, you need to overcome your fears, you need to overcome this challenge that the change has put up on all of us. The thing is, अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, तो just imagine, teachers पढ़ा कैसे रहे हैं? Teachers are day and night working to give you the best that they ever can. And hence, as a student, what's your moral responsibility? कि अगर teachers नहीं रुके पढ़ाने पे, तो हम कैसे रुक जाए पढ़ने में? I know students, there are many challenges, but let me tell you, change is something that is permanent in our lives. Change एक ऐसी चीज है जो हर रोज होती है. भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में हमें ये सिखाया गया है दैट चेंज ही एक ऐसी चीज है जो कभी स्थिर नहीं रहेगी, जो हमेशा बदलाव ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है. और आप कितनी जल्दी, कितनी क्विकली यू अडैप्ट टू दैट बदलाव इज ऑल दैट मैटर्स, राइट? सो एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल? This is the most used phrase of 2020 by all our teachers. Some other few phrases are, please unmute yourself students, I cannot hear you, please unmute yourself. Then, ma'am I cannot see the screen, ma'am aapki screen nahi dikh rahi hai. Aur teachers kya bolti hai, all of you stop annotating, I don't want any student to annotate on the screen. Ye sari baatein aap roz apne video lectures mein, Zoom meetings mein aap suffer karte ho. I know that very well. So for me and for all of you, most challenged academic year is about 2020. Bahut high expectations thi hamari, bahut zyada sab logon ne, everyone of us had very huge expectations. 2020 is our year, 2020 would bring something very huge. But yes, it did. And what was it? पैंडेमिक. सबसे बड़ा पैंडेमिक 2020 में होना था. सो 2020 इज ह्यूज, दैट इज ट्रू. लेकिन लेट मी टेल यू कि ये पैंडेमिक में आपकी स्टडीज अफेक्ट नहीं होनी चाहिए. जो भी बोर्ड देने वाले हैं, जो भी हायर स्टडीज अपने प्रोफेशनल स्टडीज के एग्जाम्स देने वाले हैं, लेट मी टेल यू कि पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है. आई नो दैट. Not meeting your teachers, not getting your doubts solved, that is all that I agree on to. But there are many other ways through which you can be focused. You should be determined, dedicated and devoted to your studies as you were when you were in your school. So students, aap careless attitude rakhna band kar dijiye. जो आपका बहुत वियर्ड एटीट्यूड है, हमें सबको पता है कि जब अगर 7 o'clock का मॉर्निंग लेक्चर होगा, मेनी ऑफ यू विल बी इन नाइट ड्रेस. आई नो दैट यू डोंट हैव अ प्रॉपर अटायर. आप लोग अपने नाइट सूट्स में लेक्चर अटेंड करते हो, यू डोंट कॉम योर हेयर, यू डोंट ब्रश, यू डोंट टेक अ बाथ. बट लेट मी टेल यू, जब स्कूल ऑन था, जब स्कूल चल रहा था, रेगुलर चल रहा था, तब क्या आप 6 बजे नहीं उठते थे? तब क्या आप 5:30 बजे उठ के स्कूल के लिए रेडी नहीं होते थे? तब क्या आप सुबह सुबह हसल नहीं करते थे कि अभी दूध पीना है, दूध पी के स्कूल जाऊंगा? क्या आप ये सारी चीजें आपकी डेली रूटीन में नहीं थी? ऑब्वियसली थी. देन वाई सच केयरलेस एटीट्यूड व्हेन राइट नाउ टीचर्स आर देयर, टीचर्स आर टीचिंग इन द सेम मैनर, मे बी इन अ बेटर मैनर, क्योंकि अब सब कुछ स्लाइड शो में दिखाई दे रहा है, जो पहले के टाइम में बहुत सी जगह में नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं थी. लेकिन अब टीचर्स आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू गिव देयर बेस्ट टू द स्टूडेंट्स, कि आप लोग सफर ना हो. आज भी टीचर्स ऑनलाइन अगर पढ़ा रही है, तो वो अपनी नोट्स बना रही है, आपको फिर वो स्क्रीन दिखा रही है ऊपर से. ऑल दीज एफर्ट्स आर गिवन बाय द टीचर्स, बट आस्क योर सेल्फ, आर यू मेंटेनिंग नोटबुक्स? क्या आप अपनी सब्जेक्ट वाइज नोटबुक्स बना रहे हैं? ऑब्वियसली आंसर इज नो, बिकॉज यू गाइज आर हैविंग दैट आई वुड से एटीट्यूड कि कौन देखने आने वाला है, कौन चेक कर लेगा, होमवर्क दिया है किसने चेक करना है, मैम तो आने नहीं वाले चेक करने. सो दैट कैलेस एटीट्यूड शुड नॉट बी देयर स्टूडेंट्स, उससे आप बहुत ज्यादा सफर करोगे. एक और आप लोगों के अंदर बहुत रेलेवेंट चीज है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन. आज नहीं कल,
कल से मैं रेगुलर हो जाऊंगा, कल से रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, कल से रोज सुबह मैं सारे लेक्चर्स अटेंड करूंगा। ये जो प्रोक्रेस्टिनेटिंग एटीट्यूड है ना आपका, कि आज नहीं कल, ऐसे करते करते ना एग्जाम आ जाएगी, और एग्जाम आ जाएगी ना तब यू विल बी इन सच अ बिग डायलेमा, मैंने क्या किया इतने महीने, वो डर आ जाएगा फिर। तो एग्जाम के पहले डरना है कि पहले से ही हम बैलेंस्ड एटीट्यूड रखें। आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच, कि आप पहले से ही एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड एटीट्यूड रखिए टुवर्ड्स योर स्टडीज, जस्ट इन द सेम मैनर यू अटेंडेड योर स्कूल। जैसे स्कूल में आप कितने डिवोशन के साथ आप पढ़ाई करने आते थे, उतनी ही डिवोशन और उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ आपको अपने ऑनलाइन लेक्चर्स यू नीड टू वॉच, राइट। द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर हैविंग इज ऑफकोर्स टुमोरो इज टुडे। आपका जो कल है वो आपको आज में कन्वर्ट करना है। जो आप हर रोज बोलते हैं ना, कल मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, मैं कल ये सम सॉल्व करूंगा, मैं कल अच्छे से बुक्स को मैनेज करूंगा, कल से मैं होमवर्क करना स्टार्ट करूंगा, तो वो कल है ना वो आज में कन्वर्ट कर दो, अभी में कन्वर्ट कर दो। वी नो दैट फेमस प्रोवर्ब, काल करे सो आज करे सो अब। सो अभी नाउ इज द टाइम दैट यू नीड टू वेक अप एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर स्टडी स्टूडेंट्स, नहीं तो वो कितना डिले हो जाएगा, इतना पाइल्ड अप पोर्शन, इतना ज्यादा इम्बैलेंस आ जाएगा आपके पढ़ाई में दैट यू विल बी वंडरिंग दैट व्हाई डिड आई वेस्ट माय टाइम। सो दिस इज जस्ट एन अलार्मिंग कॉल टू ऑल ऑफ यू, दोज हु आर नॉट सिंसियर, दोज हु आर नॉट डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टू देयर स्टडीज, लेट मी टेल यू इट्स अ हाई टाइम टू वेक अप नाउ। सो वेक अप माई ऑल माई डियर सिड्स, wake up Sid, it's a time that you should be very focused. Also, as I earlier said, wear good attire. आपका जो अटायर है ना वो कभी भी आप नोटिस करना, जस्ट नोटिस इट वंस। मैं आपको ये थम रूल दे रही हूँ, एंड द थम रूल इज कि अगर आप नाइट ड्रेस पहन लोगे ना, अगर आप अपना पजामा या अपने नाइट ड्रेस में आप अगर लेक्चर अटेंड करोगे ना, यू विल फील वेरी स्लॉगिश, यू विल फील वेरी लेजी। आपको ऐसा होगा कि मैं ना अभी सो ही जाता हूँ, आपको ऐसी फील आएगी, जस्ट यू नीड टू टेक अ नैप। लेकिन अगर आप वही अच्छे कपड़ों में या स्कूल यूनिफॉर्म में, आई प्रेफर स्कूल यूनिफॉर्म और एज अ वेरी प्रोफेशनल अटायर, अगर आप वो अटायर में इफ एट ऑल वंस फॉर वंस अटेंड द लेक्चर इन अ वेरी गुड अटायर, यू विल फील गुड, यू विल फील लाइक गिविंग ऑल योर अटेंशन, योर डिवोशन, योर डेडिकेशन टूवर्ड स्टडीज। सो कभी भी ऐसे लेजी कपड़ों में, बिकॉज नाइट ड्रेस का वो वाइब होता है, पता है वो नाइट ड्रेस का वाइब होता है कि आपको सुलाने के लिए काम आता है। तो मेहरबानी करके घर पे डोंट एवर ड्यूरिंग योर डे टाइम डोंट एवर वेयर द नाइट ड्रेस, ओनली जस्ट वाइल स्लीपिंग यूज इट, एंड थ्रू आउट द डे वेयर योर नॉर्मल अटायर, द वे यू ड्रेस अप फॉर गोइंग टू योर इंस्टीट्यूट। सो ऑल्सो यू ऑल शुड हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं ये लेक्चर नहीं अटेंड करूँगा तो मैं बहुत बड़े लॉस में हो जाऊँगा। तो इफ एट ऑल यू आर हैविंग दैट फियर, वो डर होना चाहिए कि मैं अगर ये नहीं अभी पढ़ूंगा ना तो मेरा बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता सकती हूँ दैट आपको फोमो कब आता है। अगर आपके फ्रेंड्स सब पार्टी में बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं, देन यू हैव दैट फोमो इनसाइड, इफ एट ऑल आई वोंट अटेंड आई एम गोइंग टू मिस आउट समथिंग ह्यूज। आपके अंदर वो फोमो रहेगा, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल आई एम सेइंग, कि आप अगर कोई कैफे में नहीं जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अगर रिलेटिव्स के साथ कोई सेलिब्रेशन करने नहीं जा रहे, देन बैक ऑफ द माइंड योर ब्रेन इज वर्किंग विद दैट फोमो, कि मैं नहीं जाऊंगा ना तो आई एम गोइंग टू मिस समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। द सेम फोमो यू शुड हैव इन योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई में वो फोमो लेकर आओ कि मैं अगर आज ये लेक्चर नहीं अटेंड करूंगा तो बॉस मैं बहुत ज्यादा लॉस में, बहुत पीछे हो जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा लॉस में आ जाऊंगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू हैव दैट फोमो इन योर स्टडीज, इन योर करिकुलम, इन योर सिलेबस। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, चेंज इज समथिंग दैट इज परमानेंट। चेंज एक ऐसी चीज है जो परमानेंट है, ये मैंने पहले भी आपको कहा है। Now, while you are watching your Zoom meetings, what you can do is, or while you are watching your video lectures, what you can do is, as a student, you can use an app named App Block. ये एक app है जो आपको help करेगा ताकि आप distracted ना feel करो. You know why? Because Zoom meetings के दौरान वो ऊपर से WhatsApp के messages आ रहे हैं, Instagram के notifications आ रही है, social media, Facebook की notifications आ रही है. अरे भाई, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने के time आपका attention कहाँ होना चाहिए? Only and only on your studies. So, that's a real humble suggestion from my end, to use any app that can block other apps. Now, there's a major
इशू विद द स्टूडेंट्स दैट कि उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जिसकी वजह से ना आप लोग का सरदर्द का प्रॉब्लम बहुत रहता होगा. आई एम वेरी श्योर ऑन इट कि जस्ट बिकॉज यू आर हुक्ड ऑन टू योर सेलफोन्स नाउ 24/7. और अब तो आपके पास एक्सक्यूज है, मॉम लेक्चर चल रहा है, मॉम जूम मीटिंग में मेरा ये जूम मीटिंग का टाइमिंग चेंज हुआ था तो 4 to 6 का एक अलग लेक्चर है. अरे भाई आप लोग ने इतना ज़्यादा ब्लफ करना स्टार्ट कर दिया है, खुद के साथ भी यू आर ब्लफिंग लाइक एनीथिंग. सो काइंडली डू नॉट डू दैट. सी स्टूडेंट्स, स्क्रीन टाइम इंक्रीज होना एक अभी के टाइम में जनरल सिनेरियो है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते. लेकिन जब आपके पास फ्री टाइम है तब एटलीस्ट डू नॉट गेट योर सेल्फ हुक्ड ऑन टू योर सेलफोन्स. इट विल क्रिएट अननेसेसरी वरीज एंड ट्रबल्स इन योर माइंड. इट विल जस्ट ब्लॉक योर माइंड लाइक एनीथिंग. सो स्क्रीन टाइम जब आपको पढ़ाई करनी है तभी ही आप अपना सेलफोन हाथ में लीजिए. ओवर एंड अबाउट दैट डोंट यूज योर सेलफोन. टेक अ प्रॉमिस, टेक अ प्लेज टूडे कि आप पढ़ाई के अलावा फोन को यूज नहीं करोगे. तो आप मुझे पूछोगे मैम एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें, हमें अगर कोई वीडियो वगैरह देखना है तो हम क्या करें. अरे भाई वीडियो देखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर फिटनेस. देन आप वॉक लेने जा सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो. बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके माइंड और आपके बॉडी को फ्रेश रख सकती है थ्रू आउट द डे. सो यू नीड टू मेक अ रिजिड टाइम टेबल. जस्ट मेक अ रिजिड टाइम टेबल और उस पर पूरी तरह से हर रोज उस पर वर्क ऑन करो. रोज रात को बैठ जाओ एक टाइम टेबल लेकर के. 7 to 9 मेरा स्कूल का लेक्चर है, 9 to 11 मेरा फिर से स्कूल का लेक्चर है, 11 to 12 मेरा लंच ब्रेक है, 12 o'clock onwards आई एम गोइंग टू स्टडी rigidly with all my textbooks, all my notebooks ready with hand written notes. आपकी नोट्स जैसे आप स्कूल में बनाते हो वैसे ही आपको घर पे नोट्स बनानी है. सो इस तरह से अगर आप वर्क करोगे ना, लेट मी टेल यू, आप बहुत आसानी से ये पैंडेमिक के पीरियड में बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकोगे. सो एज आई सेड, वॉकिंग, साइकिलिंग, मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ों से आप अपने आप को क्या कर सकते हो, डिजिटली डिटॉक्स. ऐसा नहीं है कि आप वॉकिंग करने जाओ तो अपना सेलफोन लेकर जाओ. वाई टू यूज अ सेलफोन? एज आई सेड अर्लियर कि आप जब अगर वॉक करने जा रहे हो यू मस्ट बी वेरी वेरी अवे फ्रॉम योर सेलफोन. दैट वुड बी अ वेरी हेल्पफुल टूल टू डिटॉक्स योर सेल्फ फ्रॉम द डिजिटल मीडिया. जरूरी है. आप बोलोगे मैम सॉन्ग सुनते सुनते जाऊंगा तो उसमें मैं ज़्यादा जल्दी से वॉक कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा टिप देने जा रही हूँ और वो है जब आप वॉकिंग कर रहे हो या साइकिलिंग कर रहे हो, कीप योर थॉट्स वेरी क्लियर, ओपन. जस्ट कीप योर थॉट्स ओपन और बहुत से आइडियाज फ्लोट इन करेंगे. जब आपके पास कोई भी टूल नहीं होगा तो बहुत से आइडियाज फ्लोट इन करेंगे. ट्राई टू एक्सेप्ट दोज आइडियाज और तब आपको रियलाइज होगा कि हाउ बेनिफिशियल इट इज टू वॉक और टू गो फॉर साइकिलिंग विदाउट योर सेल फोन. दैट वुड बी अ बून. इट वुड बी रियली अ बून फॉर ऑल ऑफ यू. सो एट द एंड व्हेन द डे इज एट इट्स एंड ऑल यू कैन डू इज रिवाइज. कि आपने सुबह से लेकर के अभी तक जो भी पढ़ा है ना, जो भी पढ़ा है वो एक बार जस्ट गो थ्रू करना है. एक बार जस्ट यू नीड टू वॉच इट. जस्ट एक ऐसे क्विक वॉच दे दो उसको. जस्ट पेजेस फ्लिप करके एक बार देख लो, नजर मार लो कि ये टॉपिक्स आज मैंने पढ़े हैं. वो आपके ब्रेन को ना बहुत चैनलाइज करेगा, आपके थॉट्स को चैनलाइज करेगा. सोने से पहले आपको पूरा वो याद रहेगा कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या पढ़ाई की है. तो इस तरह से अगर आप अपने आप को चैनलाइज रखोगे इन द पैंडेमिक, लेट मी टेल यू, nobody can ever stop you from achieving good grades in your life as a student. And if at all I'm talking about a layman, कि जो जॉब भी कर रहा है या जो करियर ओरिएंटेड या कोई करियर या कोई वो MNC में है, तो उनके लिए भी मैं ये एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि इस पैंडेमिक से ना हमें लेजीनेस इनवाइट नहीं करनी हमारी लाइफ में. ये पैंडेमिक हमें हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए एक अलार्मिंग कॉल दे रहा है. सो जस्ट लिसन टू द वेज ऑफ नेचर. ये नेचर का ही दिया हुआ है पैंडेमिक और ये नेचर से ही कहीं ना कहीं इट विल लीव द नेचर. बट बिफोर इट हार्म्स अस नेगेटिवली, लेट अस यूज दिस पैंडेमिक टू कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म अस पॉजिटिवली. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग अ पेशेंट लिसनर. आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी डे अहेड. थैंक यू.